हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की, स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आज सब जो सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ट्रायंगल्स या फिर जो अदर फिगर होते हैं उनको ही हमें काउंट करना होता है। ये रीजनिंग में पूछा जाता है, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो आज उनके अलग अलग टाइप के जो फिगर्स हैं उनकी बात करेंगे, प्लस उनकी जो ट्रिक्स हैं उन्हें निकालने की उसकी सारी बात करेंगे। तो एंड तक देखिए, आई बिलीव कि आपको पसंद आएगा और आगे से आप कोई भी आपका जो क्वेश्चन है फिगर्स का वो नहीं छूटेगा, जो क्योंकि कर तो सबको ही लेते हैं बट टाइम बहुत लगता है, तो वो टाइम की बात है कि टाइम बचाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर टाइप वन की, तो टाइप वन में जो सबसे पहला जो फिगर है ये ट्रायंगल। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रायंगल तो एक ऐसा होता ही है, उसके अंदर ऐसी लाइंस और खींच दिए। तो इसमें आपको ट्रायंगल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक तो सिंपल मेथड तरीका है कि एक दो ऐसे करके निकालते रहें। इसकी सीधी ट्रिक की बात करें तो उसकी ट्रिक है वो क्या है, तो उसकी ट्रिक है कि आप पहले तो काउंटिंग कर लीजिए 1, 2, 3 और 4। इस काउंटिंग को करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ दीजिए। सिंपल 1 + 2 + 3 + 4 कर दीजिए। ठीक है, कितना आएगा आपका, 10 आएगा। ये जो 10 आया ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इसके अंदर। तो आपको ऐसे में क्या करना है, सीधे ऐड कर दीजिए जितनी भी नंबरिंग आई है, जितने भी इसमें लाइन ब्लॉक बन रहे हैं सबको ऐड कर दीजिए। 1, 2, 3, 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये है पहले टाइप का। अब इसी में थोड़ा सा और एडवांस कर दें तो बात करें अगर इसकी, इसमें कैसे पता करेंगे कितने ट्रायंगल हैं, तो इसका भी एक तरीका है। क्या लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये लिख दिया, ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 लिखने की जरूरत तो नहीं है। बस ये देख लीजिए कि बेस कितने हैं, यहाँ पर बेस कितना है 1, यहाँ पर बेस कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, एक बेस ये है और एक बेस ये है। ठीक है, तो दोनों बेस हैं, इसके भी हैं और ये अलग है, दोनों बेस हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इसकी जो सिंपल ट्रिक है वो अब आपको बता दे रहा हूँ कि पहले तो नीचे वालों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, सिंपल इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आपका आएगा 15 आ गया। अब ये देखिए कि बेस कितने हैं, अगर बेस 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, आपका आ जाएगा 30। तो ये आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए। ओके, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए। या फिर आप एक ये भी तरीका है कि इसका निकालेंगे तो 15 आएगा, इसका निकालेंगे तो 15 आएगा, वैसे ऐड कर दीजिए। पर ये ट्रिक सही है कि आप कैसे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड कीजिए। ठीक है, आप इसका भी ऐड करके, इसका भी ऐड करके 15 ही बात है, 15 + 15 = 30 ही आएगा, बात है सेम ही है। प्लस अगर आपको ये याद नहीं आ रहा कि यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर सीधे बेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों चीज़ हो सकती हैं। और ये तो आपको है कि इन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब हमें इसको काउंट करना हो तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये आपका ये सिंपल इतना जो दे रखा है पहले की तरह कि 1, 2, 3, 4 + अब ये नीचे भी बना हुआ 2, तो इसमें भी लिख लीजिए 1 और 2। इसकी ट्रिक क्या देखी है, ट्रिक तो पहले वाले से ही है, बस थोड़ा सा हमने इसमें क्या कर देंगे, पहले इसको जोड़िए तो ये आपका 10 आएगा, फिर इसको जोड़िए ये आपका 3 आएगा। प्लस अब आपको क्या करना है कि इसको अलग से जोड़ना है, ये जो है आपका, ये आपके दो ट्रायंगल बन गए, पहला एक ये बना और दूसरा एक ये बना। ठीक है, तो +2 और कर दीजिए, कितना हो गया आपका 15। ओके, तो आपका ये आंसर हो गया। पहले तो इसको जोड़ा हमने, फिर इसको जोड़ा और फिर इस पूरे जो दो बन रहे हैं इनको जोड़ दिया, तो हमारा प्लस ये 15 बन गया। ठीक है, तो ये थी इसी इन ट्रायंगल में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी आगे और भी बताऊंगा किस तरह के ट्रायंगल रखते हैं। अब बात करते हैं टाइप टू, हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, स्क्वायर में आपको अगर इनके निकालना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो सबसे पहले तो आप वैसे अगर जोड़ने बैठे तो बहुत बनेंगे कि फिर ये बनेगा ऐसे ऐसे करके, फिर ये बनेगा ऐसे बनेगा, ये फिर बड़े बड़े बनेंगे, बहुत टफ पड़ जाएगा। सीधा सिंपल सा एक तरीका है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखिए, 6 लिख लिया,
अब जस्ट डबल कर दीजिए। हाँ सिक्स है टोटल, सिक्स को डबल कर दीजिए, 12। ये आपका आंसर है। ओके क्या आंसर है? 12। अब ऐसे ही आप इसमें करके देखिए, 1 2 3 4 जस्ट डबल, कितने हो गए आपके? 8 का 8। कोई आप इसे मन में भी कर सकते हैं, कोई पेन पेंसिल की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मन में करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सॉरी अब बात करें अगर इसकी, तो इसमें भी वही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आया लास्ट में, 8 का डबल कर दिया 16। तो ये इसका, अब इसको कैसे करेंगे? इसको क्या करना, अलग अलग भागों में बांट लो कि ये अलग ट्रायंगल है, ये एक अलग स्क्वायर है, ये एक अलग स्क्वायर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके कितने हो जाएंगे? 8, इसके भी 8 और इसके भी 8, कितने हो गए? 24। पर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, क्यों? अभी और भी ट्रायंगल बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला तो बनेगा ये, ठीक है, दूसरा बनेगा ये। अब दोनों के मिक्स करके बन रहे हैं ना, पहले तो हमने सिंगल सिंगल स्क्वायर लिया था, इस स्क्वायर में कितने बन रहे हैं? एक बन रहा है ये, ठीक है, और एक बन रहा है ये। तो इसके अंदर कितने बन रहे हैं? एक ये और एक ये, और फिर इन दोनों की बात करें तो एक ऐसे और एक ऐसे, तो टोटल और कितने बन रहे हैं? 4। टोटल क्या हो गया? 28। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 28। अब इसको ऐसे निकालेंगे। अब बात करें इसमें, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे? वही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब कितने बन गए? 8 इसका 8 इसका 8 इसका, मतलब 24। अब देखिए वही कि पहले सिंगल सिंगल स्क्वायर लिया था, अब डबल डबल स्क्वायर ले लिए, दो ये फिर दो ये, ऐसे करके, तो कितने बनेंगे आपको दिखाता हूँ। चलिए पहला तो यही, दूसरा ये, ठीक है। इसमें कैसे बनेंगे? इन दो में लिया हमने, इन दो में, तो इसमें भी ऐसे और फिर एक बनेगा ऐसे। पर अब ये देखिए कि अब ये, क्योंकि ये जो कॉमन पॉइंट है तीनों में, हमें कॉमन पॉइंट देखना है, ये तीनों में कॉमन पॉइंट है, तो मतलब तीनों को मिलाकर और एक बनेगा। कौन सा बनेगा? ये वाला, ये जो वाला ट्रायंगल बनेगा, ये तीनों में कॉमन है। तो कितने टोटल निकल के आए? दो इसके और एक इसका, टोटल 5। कितना हो गया? 29। ओके तो इसका कितना हो गया? 29। तो अब देखिए, देखते हैं आगे वाला पैटर्न। अब देखिए आप इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें निकालने के लिए आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देख लीजिए, कैसे? ऐसे, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बात तो वही पड़ेगी, क्योंकि अब ये स्क्वायर हो गया, तो इसको ऐसे घुमा लिया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वही कि टोटल देखिए इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो चार चार में इसको डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, ओके सॉरी, एक ये और है इसमें, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। तो अब ये देखिए, 8 ये 8 ये और 8 ये और 8 ये, टोटल कितने हो गए? 8 चौक 32। ठीक है, 32 ही हो गए, प्लस अभी ये ख़त्म नहीं होगा। अब क्या है? अब ये देखिए, इन दो के अंदर, पहले देखा था सिंगल सिंगल, अब देखेंगे दो के अंदर, दो के अंदर भी बनेंगे। कैसे बनेंगे? वही जैसे पहले आपको बताया था कि एक बनेगा ये, एक बनेगा ऐसे, कितने हो गए? 2 ये बन गए, प्लस अब नीचे वाले में भी 2 बनेंगे, तो वो भी +2 हो गए। अभी तो हमने देखा हॉरिजॉन्टली, अब देखेंगे वर्टिकली, तो वर्टिकली इसमें भी 2 बनेंगे और इसमें भी 2 बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 2, ये हो गया। अब देखेंगे, अभी 2 की दिख रहे थे, अब देखेंगे हम 3 में, तो 1 2 और 3, ठीक है, इसको देखेंगे कितने बना,
एक ये बना सबसे बड़ा, ठीक है, प्लस ये कितना बन गया, प्लस वन, ठीक है। अब देखेंगे एक इसमें देखेंगे, एक दो और तीन कौन सा बना, ये बना, ठीक है, कितना बन गया, प्लस वन। तो कैसे हो गया आपका ये, ठीक है, ये हो गया खत्म। अब चार में आप बनाएंगे तो चार में स्क्वायर बन जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये कितना हो गया आपका 32 और 1 2 3 4 5, ये वन है सॉरी, तो आपके ये हो गया टोटल 10। क्या आंसर आया आपका, 42, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंबल है कि स्क्वायर में आपको सबसे पहले सिंगल से शुरू होना है और फिर आपको बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, आपको जाके ख़त्म करना है पहले सिंगल स्क्वायर से, फिर डबल स्क्वायर से, फिर ट्रिपल स्क्वायर से, ठीक है। और यहाँ तक ही आता है, इससे ज़्यादा वो पूछेगा भी नहीं। अब बिल्कुल ये उसी की तरह है, बस इसको सीधा कर दिया है। आप कभी कर देखने में आपको अलग ना लगे कि ये अलग है वो अलग है, दोनों सेम है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 42। वो मैंने इसलिए ले लिया कि आप कभी कंफ्यूज ना हो जाए कि ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों अलग हैं, दोनों सेम है। ओके, अब बात करें इसकी तो ये हो गया। अब देखिए इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें तो वही सबसे पहले आपका 8 8 8 और 8 32, ठीक है। 32 के बाद इसमें क्या करेंगे, वही सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। अब मैं ड्रॉ करने वाला आपको बता दूंगी इन दो के मतलब कितने हो गए, सिंगल और ये 2। अब इस दो को लीजिए, इन दो को, तो आपके प्लस 2। अब इस 2 को लीजिए तो आपके कितने हो गए, प्लस 2, ठीक है। अब हम लेंगे 3, 1 2 और 3, 1 2 3, तो आपके एक और बनेगा। अब लेंगे इन तीन को, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है, कितने बने आपके, ये देखिए अब 32, 1 2, और एक और बनेगा, वो इन चारों को मिलाकर बनेगा, कौन सा बनेगा, ये वाला जो आपका यहाँ तक जाएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, आपको तो क्लियर दिखेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये आपका एक और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना जुड़ गया, 1, कितने होगा अभी देखिए, 1 2 3, ये 2, ये 1, ठीक है। तो ये आपका 40 और ये 41, टोटल कितने होगा, 41। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, 41। आप ये याद भी रख सकते हो कि इन्हीं गिने चुने फिगर्स में से आते हैं। अगर अब आप स्टार की बात करें तो स्टार में ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ट्रायंगल या अलग से कोई स्क्वायर वाला हिसाब नहीं आता, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। पर फिर भी मैंने आपको ले लिया, आपको करके बता दूंगा कि कैसे करते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अब इसकी बात करें तो इसमें देखिए क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 प्लस। अब कौन कौन से बन रहे हैं, आप देखिए, एक बनेगा ये वाला आपका, एक बनेगा ये वाला आपका, कितना हो गया, 2, ठीक है, ये बन गए। फिर आपके और बनेंगे, एक बनेगा एक ये आपका, फिर एक ये बनेगा आपका, ओके। फिर ऐसे आप करके चलते चले जाएंगे और करेंगे तो फिर आपका एक एक और बनेगा आपका, ठीक है, वो आपका इस पे आएगा। तो आप कैसे और बनाएंगे ना, तो आपके 11 होगा ये, प्लस आप और करेंगे तो आपके 3 और बनेंगे, फिर ऐसे ही आपके टोटल कितने आएंगे, 14, ओके। तो आप इसे काउंट करके देख सकते हैं, आपके 14 बनेंगे। तो आप इसे स्टार में तो आप याद रखिए कि आपका 14 बनेगा, ये वाला आपका 10 बनेगा, ठीक है। तो ये वाला आपका 10 बनेगा, आप ये याद रखिए कि ये हमारा 10 बनेगा। आप नहीं तो आप ऐसे काउंट करके भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर एक ऐसे बनेगा 6, फिर एक ऐसे बनेगा 7, फिर एक ऐसे बनेगा 8, ठीक है, फिर एक ऐसे बनेगा 9। तो ऐसे आप करके देख सकते हैं, आपका 10 आएगा। स्टार में तो आप तीनों याद कर लिए, तीन ही तरह की फॉर्म आती हैं। ये हो गया 14, ये हो गया आपका 10, ठीक है, एक ये और आएगी, ये हो सकता है। तो इसमें कितना कर देंगे, वैसे तो 20 आएगा इसका आंसर, पर कभी कभार क्या एक ऐसा और आ जाता है, इसको ऐसे भी पूछ लेंगे,
ये एक नॉर्मल स्टार कि इसका बताओ इसमें कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ऐसे करके आपके वैसे तो ये 8 होंगे, ठीक है, और वैसे ही आ जाते 8, ओके। तो आई होप कि आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके इसका 8, इसका 20, इसका 10 और इसका 14, आप इन तीनों को तो मेरी माने याद कर लीजिए, और क्योंकि इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं है, आपको निकालने ही पड़ेंगे। और अब जो टाइप 4 है हमारा वो है ये वाला कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आएंगे, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। तो उसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये, तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जोड़ लिया प्लस, फिर अब जाइए फुल ट्रायंगल पे, एक ये, दो ये और तीन ये, 3 = 10, ओके। ये ऐसे हो गया, ऐसी ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लस 1, 2, 3 और 4, 4 ट्रायंगल है इसमें, कितना हो गया 14, ठीक है। अब आए अगर नेक्स्ट पे, तो वो है हमारा ये, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, कितने हो गए हमारे 10 प्लस। अब ये देखिए, एक ये, दो ये, तीन ये, ठीक है, 3, ओके, उसके बाद 1, 2, 3, कितने हो गए हमारे 16, ठीक है। तो आप ऐसे भी, ये इनमें कोई ट्रिक नहीं है, आप सिंपल से ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात आई इस ट्रायंगल की, तो भाई ये सबसे मेन है, मैं तो कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला है क्या, पहले तो आप ये नंबर लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये n इज इक्वल टू कितना हो गया 7, ओके। अब फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए आप मेरी माने तो, फॉर्मूला है n, n प्लस 2, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 8, कब, जब ये इवन हो, जब n इज इक्वल टू इवन हो, ये n है, अगर ये n इवन है तो ये फॉर्मूला है, पर अगर n इज इक्वल टू ऑड हो तब क्या फॉर्मूला है, तब आएगा ये n प्लस 2, 2n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये इवन के लिए है, ये ऑड के लिए है, तो आप इन दोनों को लिख लीजिए या याद कर लीजिए, जैसे कभी भी ट्रायंगल आ जाए तो ये सीधे एन गिनिए पहले, 1, 2, 3, 4, 7, अगर 7 आ रहा है तो ऑड वाला लगाइए, 6 आ रहा है तो इवन वाला लगाइए, ठीक है। तो ये था इसके लिए। अब बात करते हैं, अब आते हैं टाइप हमारा स्क्वायर में, ठीक है। अब इस स्क्वायर को कैसे करेंगे, कितने इसके अंदर स्क्वायर है, हमें नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर ये पूछा है हमसे, कैसे निकालेंगे। तो इसका जो सब तरीका है, सबसे पहले तो क्या करना है आपको पता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, इन सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना होगा आप जोड़ के देख लीजिए, आपका ये आएगा 30 आएगा, ठीक है। तो आपका सिंपल है, जब भी ऐसे स्क्वायर आ जाएं तो आपको स्क्वायर करिए उसका और उसे ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, सीधे ऐड कर दीजिए, ठीक है। अभी ये तो स्क्वायर है, पर अगर रेक्टेंगल आए तो क्या करेंगे, अब हमारा रेक्टेंगल आ गया, ऐसे 5 रोज है हमारी और 4 कॉलम है, 5 रोज 4 कॉलम, तो कैसे करेंगे, सबसे मेन तो कि पहले इसको अलग अलग से लिख लीजिए, पहले तो बांट लीजिए कैसे, एक तो ये यहाँ तक ये स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है, ये अलग है, इसमें क्या करेंगे, वही 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कितना होगा 30। इसमें क्या करना है हमें, इसमें 1, 2, 3, 4 ऐड कर दीजिए, जैसे हमने ट्रायंगल में किया था, सबसे पहला वाला बेसिक वाला जो ट्रायंगल था वही 1, 2, 3, 4 ऐड कर दीजिए, कितने होंगे 10, दोनों को ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 10 = 40, हमारा आंसर क्या आएगा 40। तो स्क्वायर में क्या करना है, अगर स्क्वायर आया तो ये रेक्टेंगल आया तो ऐसे करना है कि पहले से स्क्वायर बना लो, बाकी सबको अलग कर दो, ठीक है,
इसको ऐसे करना है। अब ये हमारा एक लास्ट फिगर है इस वीडियो का। अब इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो इसमें कैसे निकालेंगे? देखिए ये अलग से अलग बीच में और बना दिए, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका सीधा तरीका है, पहले आप इसे स्क्वायर में देखिए, 1 2 3 4 स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया, कितना बनेगा 30। अब आपको क्या करना है, अलग अलग स्क्वायर लीजिए, इसको अलग लीजिए, इसको अलग लीजिए, इसको अलग लीजिए, इसको अलग लीजिए, कैसे, 1 और 2 प्लस स्क्वायर कर दीजिए, इसका कितना आएगा 5। तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, तो टोटल कितने होगा 20। आंसर क्या है 50। तो इसमें टोटल कितने बनेंगे 50 स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। तो मैं फिर लेकर आऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो रीजनिंग की और किसी टॉपिक पे, तो तब तक के लिए थैंक्स। किसके लिए? फॉर वॉचिंग, ओके। आपने देखा, सीखा, बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।